रेसिपी है हेल्दी वेजिटेबल ओट्स पैनकेक। ये पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स, 1 अंडा, रिफाइंड ऑयल, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए कैप्सिकम, बारीक कटे हुए गाजर और स्वाद अनुसार नमक। अभी एक बोल में मैं ओट्स को ले लूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी देके इसे थोड़ा सा नरम कर लूँगी ताकि ये पैनकेक बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। आप चाहे तो दूध भी मिला सकते हैं पर मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया। अभी इसके अंदर 1 अंडा वो भी बीट करके इसमें डाल दूंगी। अभी इसके अंदर थोड़ा सा नमक और सारी जो सब्जियां मैं काट करके रखे हैं वो सारे यहाँ पर इसके साथ ऐड कर दूंगी। अभी ऐड कर रही हूँ प्याज 1 चम्मच। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच 2 से 3 चम्मच प्याज डाल दिया है इसके साथ। इसके अंदर मैं ग्रेटेड जो गाजर है वो भी डाल दिया है मैंने। इसके साथ बारीक कटे हुए जो शिमला मिर्च थे वो भी डाल दिया। अभी इसके अंदर और कुछ नहीं जाएगा, अभी थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। हो गया है डो तैयार। अभी पैन को गरम करना है। ये पैन गरम हो रहा है, मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया। तवा गरम हो चुका है। इसके अंदर में जो ये लिक्विड मिक्सचर है इससे थोड़ा सा लिक्विड डो लूँगी और पैनकेक को तैयार करूँगी। ले लिया है, अभी तवा पे जाएगा ये। इस तरह से गरम तवा के ऊपर मैंने ये डोल डाल दिया है। अभी ये थोड़ा सा गैस को लो फ्लेम पे डालना है और इसे पकाना है। दोनों तरफ से इसे पकाना है, फ्लिप करना है इसको। अगर चाहिए तो थोड़ा, अगर कम हो जाए ऑयल ग्रीस करना तो थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। अभी दोनों तरफ हो गया है, थोड़ा सा लाल लाल होगा। अगर दोनों तरफ थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया है तो ये बन के रेडी है।